नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आई हूँ सत्यम हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर मीनावत के पास। तो मैंने कहा चलो आपको भी लेके चलती हूँ। तो ये है सत्यम हॉस्पिटल। यहाँ हमारे एक फ्रेंड डॉक्टर एस एन मीना बैठते हैं, चलो उनसे भी मिल लेते हैं। नमस्ते, क्या हाल है? लगा रखे हैं, और कैसे हो आप? बढ़िया। तो ये थे डॉक्टर मीना। चलिए अब मिलते हैं डॉक्टर ज्योति मीनावत। तो ये है डॉक्टर ज्योति मीनावत, गायनेकोलॉजिस्ट सत्यम हॉस्पिटल में। बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत सीनियर डॉक्टर है। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नहीं नहीं, मैं इसके अंदर ये दवाई लेके मेरे को 7 दिन के बाद में आके चलूंगा। खाने पीने में कोई परहेज नहीं, आप मर्जी कोई प्रॉब्लम। नमस्ते, आज मैं आई हूँ सत्यम हॉस्पिटल डॉक्टर मीनावत के पास, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी इन्फेक्शन की, जो गर्मियों में आम बीमारी है। तो उनसे जानते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें, और कैसे अपना रख रखाव करें इससे बचने के लिए। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर मीनावत से यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में। नमस्ते डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि यूरिनरी इन्फेक्शन जो होता है उसके बारे में आप शुरू से लेके आखिरी तक चीज़ें, जस्ट जनरल जो लोगों को पता नहीं है किस उम्र में हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में बच्चों में भी हो जाता है। तो बच्चों में भी हो जाता है। सबसे पहले ये 3-4 टाइम्स में बहुत ज़्यादा होता है। एक बार तो जब प्यूबर्टी होती है तब हो जाता है, शादी के बाद में भी हो जाता है, प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब महामारी चली जाती है तब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम। तो इन टाइम्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। प्यूबर्टी पे होने की इसलिए संभावना होती है, शुरू शुरू में लड़कियों को मालूम नहीं होता है किस तरीके से पैड लगाना है, किस तरीके से उसे यूज़ करना है, कभी बहुत ज़्यादा टाइट है, कभी चेंज नहीं किया। तो यूरेथ्रा जो फीमेल्स में होता है बहुत छोटा होता है, तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेता है, तब उन दिनों में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। हर बार पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान या पीरियड के तुरंत बाद में ये इन्फेक्शन होता है। शादी के तुरंत बाद भी ये बहुत कॉमन है, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। और फिर तो प्रेगनेंसी में 9 महीने के दौरान वो काफ़ी बार होता है, और जिनको बार बार होने का ये शिकायत है उनको पूरे 9 महीने कोई ना कोई छोटी मोटी दवाई लेनी पड़ती है। कभी पेट में दर्द है, कभी बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, कभी बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत मतलब चिड़चिड़ाहट सी लगती है, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, जब भी जाते हैं तब थोड़ा सा आता है, फिर उसके बाद में नहीं आता। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। और जो लास्ट जब बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है मीनोपॉज के आसपास। मीनोपॉज में जब आपका पीरियड्स चले जाते हैं तब आपके पास जो प्रोटेक्टिव हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन टाइप के से, वो बहुत कम हो जाती है उनकी क्वांटिटी, या जिन्होंने हिस्टेरेक्टमी करा ली है और उनकी ओवरीज निकाल दी गई है तो उनके यहाँ पे नेग्लिजिबल होते हैं हॉर्मोन्स। तो इसलिए ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये अगर हो जाता है तो आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, उसके साथ में पेन किलर भी लेना पड़ेगा, और उसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स साथ में लेंगे। पर इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। ये जब भी पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जब भी जैसे सपोज करो आप ट्रैवल करने के लिए गए, आप बोतल तो साथ लेके गए पर आपने ऊपर से पिया, एक दो घूंट ऊपर से पी लिया, पर वो पानी एडिक्वेट नहीं पहुंचता है अंदर। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसको प्रिवेंशन के लिए जो सबसे ईजी जो तरीका है वो है आप भरपूर पानी पीजिए। अगर बहुत तेज गर्मी है, बरसात है, जब आप पानी कम पी रहे हैं तो फिर ये जल्दी से वापस हो जाएगा। एक तो होता है ट्रीटमेंट और एक होता है प्रिवेंशन। तो जैसे ही आपने ट्रीटमेंट ख़त्म किया तो प्रिवेंशन की दवाई लेनी ज़रूरी है। अगर आप ले लेते हैं तो आपको इतने फ्रीक्वेंट अटैक्स नहीं होते हैं। तो हर बार सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो है आप पानी, लिक्विड्स भरपूर लीजिएगा। पानी, चाय, कॉफ़ी, छाछ, जूस, शरबत, शिकंजी, नारियल पानी, जो भी आपके घर में हो उसे आप बार 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 पीते रहिएगा। जितना लिक्विड इनटेक रहेगा उतनी आपको आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो बचाव ज़्यादा ज़रूरी है, खैर जब हो गया तो फिर आपको ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बार बार होता है और आप मीनोपॉजल हैं तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आप एक बार कल्चर करवा लें, ताकि आप वो स्पेसिफिक दवाई ही ले पाएँ। यूँ ही हर बार कुछ भी अंदाजे से दवाई दे देना ये सेफ नहीं है।
तो इसलिए जो भी चीज़ से सेंसिटिविटी आती है वही दवाई दे, और वही दवाई दे कि उसका 5-7 दिन का कोर्स होता है, 5 से 7 दिन का कोर्स होता है वो दे दे, और उसके बाद में 7 दिन के बाद में प्रिवेंशन की दवाई दे दे, और लिक्विड्स बहुत ज़्यादा ले। ये लेते रहेंगे करते रहेंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बहुत, एक सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्मियों में जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो आपके थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस, मतलब जितने भी अपने पोर्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए भी आप टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नहीं तो जो स्विमिंग के लिए जाते हैं स्विमिंग से भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि स्विमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मसल मूवमेंट होता है आपको, हालांकि हैं आप पानी में पर आपको पानी की कमी हो सकती है, इसलिए जब भी आप स्विमिंग करके बाहर आएँ तब अच्छे से अपने आप को वॉश कर लें, यूरिन पैसेज सारा वॉश कर लें, ड्राई कर लें, फिर होने के चांसेस कम हैं। और ध्यान रखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है स्विमिंग पूल्स में वहाँ ना जाएँ, क्योंकि पता नहीं है कि किस तरीके का है, साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कोई यूरिन इन्फेक्शन वाला वहाँ स्विमिंग के लिए आया तो आया है तो आपको इन्फेक्शन तो दे सकता है, दे सकता। और एक डॉक्टर साहब मैं ये बोल रही थी जैसे ट्रैवलिंग के दौरान या किसी होटल में आप किसी पार्टी में गए हैं वहाँ यूरिन इन्फेक्शन, आप यूरिनल यूज़ कर रहे हैं, किसी बाथरूम वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के? वहाँ होता नहीं है, अगर अनलेस एंड अंटिल बहुत ज़्यादा डर्टी हो, बहुत ज़्यादा गंदा हो या ऐसा हो तब होने के चांसेस हैं, अदरवाइज जैसे अपन अपने पुराने ज़माने में इंडियन स्टाइल में जैसे बैठते थे ना, जहाँ आप टच तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो ज़्यादा सबसे अच्छा रहता था। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ आपको जाना ज़रूरी है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो द बेस्ट वे इज़ कि आप कर लीजिए पर आप वॉश कर लीजिएगा तुरंत उसको, तो फिर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गंदी जगह पे बैठने से ऐसा सच कुछ नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का अगर चांसेस हैं तो गंदगी की वजह से आपको कुछ हो तो हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वाटर इनटेक होना चाहिए, आप चाहे कहीं भी बैठ के करें, इंडियन स्टाइल की तरह से करें, उखड़ू बैठ के करें, टच ना करें कहीं पे भी, देन यू विल प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और वैसे कॉमन जो है किस एज में ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है, मतलब आप मेन जो है किन लेडीज़ को ज़्यादा सावधानियाँ इस एज के बाद करनी आपको, मतलब एज अ डॉक्टर आपके पास आते होंगे? सब एजेस के अंदर, खास तौर से शादी के तुरंत बाद, मेनोपॉज पे, प्रेगनेंसी में, जिनको बार बार प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं तो इसका मतलब उनको पहले भी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुके होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिनको होता है वो बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, वो अपने आप अपना प्रिवेंशन करते रहें। फिर देखिए डायबिटीज़ वालों को खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और पसीने में गीला है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ फंगल इन्फेक्शंस भी आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक तो प्राइवेट पार्ट गीला नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा ड्राई रखिएगा, और अगर पसीने में आप काम करते हैं तो पाउडर वगैरह लगा के रखिए, एंटी फंगल पाउडर्स वगैरह आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो वो आप लगा के रखिए, वो गीला नहीं रहना चाहिए पार्ट। अगर वो गीला रहेगा और आप डायबिटिक हैं तो फंगल इन्फेक्शंस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ जरूर होंगे, तो ये मेन चीज़ है। और वैसे गर्मियों में ज़्यादा होता है ये, गर्मियों में क्योंकि अपना फ्लूइड इनटेक प्रॉपर नहीं हो पाता ना, गर्मियों में ज़्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के अंदर वो झट से इन्फेक्शन लग जाता है, तो मतलब गर्मियों में विशेषतर ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी, बरसात, सर्दी, इन सब में जब भी फ्लूइड इनटेक कम रहेगा तब ये होने के चांसेस 100% ज़्यादा है। ट्रैवल के टाइम में जब आपने पानी पूरा नहीं पिया है, एक अलग घूट पी लिया ऊपर से, वो दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। पीना है, जब भी आप पानी पिए कम से कम एक गिलास पूरा पिए। तो मतलब आपका सबका डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि यूरिन इन्फेक्शन जो है आपको हो भी सकता है, और पर आप रूटीन में भी अपने हाइजीन का, पर्सनल चीज़ों का, हाइजीन का ध्यान रखें और पानी खूब पिए। पानी पूरे शरीर के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंस है, तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये तो नहीं है। हाइजीन, वाटर इनटेक, इसी से आप बच सकते हैं, अदरवाइज बचना मुश्किल होता है। हाँ, और ये ज़्यादा अगर आप ध्यान नहीं दिया तो अल्सर होने के भी चांसेस होते हैं, घाव हो जाते हैं ऐसे कुछ? नहीं, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बार बार होएगा, फिर ये अभी ब्लैडर में है इन्फेक्शन, फिर ऊपर किडनीज तक पहुँचेगा, इसलिए इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, ये है जो पहले स्टेप के ऊपर इसको रोक लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई, ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर ज्योति मिनावत, जिन्होंने हमें
बताया कि कैसे यूरिनरी इन्फेक्शंस जो हर एक एज के लोगों को होता है, महिलाओं को होता है, वो कैसे बचा जाए, उसका क्या प्रिवेंशन लें, क्या क्योर लें और कैसे इससे हम रख रखाव करें अपनी डेली, जिससे हम इससे बचें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।